दोस्तों मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं आमिर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूं जंगल दोस्तों, और आज मैं आपको बता दूं कि जंगल में मैं किस लिए जा रहा हूं दोस्तों। तो हमारे साथ नसीम भाई हैं, आप देख सकते हैं इस साइड नसीम भाई चल रहे हैं। तो नसीम भाई थोड़ा डिब्बा दिखाइए जिसमें वो जानवर है दोस्तों। तो एक जहरीला जानवर है, उसको हम जो है वो घर पे निकला था दोस्तों। तो घर पे जो है नसीम भाई के काम चल रहा है, वहीं पे जो है निकला था। तो उसको हम लेकर जा रहे हैं जंगल में, वहाँ पर चलकर रिलीज करेंगे दोस्तों, और आपको भी दिखाएंगे कि कितना भयानक है दोस्तों, कितना बड़ा है दोस्तों। तो इसी डिब्बे में है, तो थोड़ा नसीम भाई रुकिए, थोड़ा दिखाइए इसको, इस डिब्बे को। तो आप देख सकते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो डिब्बा है, इसी के अंदर वो जानवर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग लेके जा रहे हैं जंगल में रिलीज करेंगे, तो आपको भी दिखाएंगे दोस्तों। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए जंगल की तरफ चलते हैं और आपको नज़ारा दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जो हम बाग में आ चुके हैं और यहीं पर हम उस जानवर को रिलीज करेंगे। इन झाड़ियों में आप देख सकते हैं जो साइड झाड़ियां हैं, इसी में जो है रिलीज करेंगे। तो देख सकते हैं नसीम भाई डब्बा खोल रहे हैं दोस्तों, तो इसको जो है हम रिलीज करेंगे। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, डब्बा अभी खोला जा रहा है, पूरी तरीके से टाइट हो चुका है दोस्तों डब्बा। और इसमें ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर छेद भी किया गया था दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तीन छेद हुए हैं, तो इसको जो है ऑक्सीजन के लिए दोस्तों इसको किया गया था। तो ऐसा कुछ डब्बा का नज़ारा आप देख सकते हैं, इसी में वो जानवर है। तो दोस्तों वो जानवर मैं आपको बता दूं, वो जो है बिच्छू है, काला बिच्छू है दोस्तों। वो जो है नसीम भाई के घर पे निकला था, तो इसको जो है हम लोग जंगल में रिलीज करने के लिए लाए हैं दोस्तों। तो यही जंगल में जो आप सामने जंगल देख रहे हैं, इसी में जो है रिलीज करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें कॉन्टिन्यू, आज मैं आपको दिखाऊँगा काला बिच्छू आज के ब्लॉग में दोस्तों। तो फिलहाल जो है अभी डब्बा खुल नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि जब छेद किया जा रहा था दोस्तों पूरी तरीके से बैठ गया डब्बा। तो फाइनली दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, डब्बा खुल चुका है और इसी के अंदर वो जानवर है, आप देख सकते हैं। उसको बाहर निकालेंगे नसीम भाई, तो ऐसे डब्बा पलट दो नसीम भाई, नसीम भाई ऐसे डब्बा पलट दो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम डब्बा पलट रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं डब्बा को पलट जा रहा है, तब वो जानवर निकलेगा दोस्तों। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, तो अभी जो है वो अंदर ही है दोस्तों। तो इसको जो है और उल्टा करना पड़ेगा, नसीम भाई उल्टा करो यार इसको। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं बड़े वाले डंडे से, बड़े वाले। तो दोस्तों देख सकते हैं इसी तरीके से इसको निकाला जा रहा है जानवर को, और इसको जंगल में रिलीज किया जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आज निकल चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप इधर देख सकते हैं कितना बड़ा है भाई, बहुत ही बड़ा है दोस्तों। इसको थोड़ा साइड करिए नसीम भाई, थोड़ा साइड करिए। तो दोस्तों इसको हम साइड कर रहे हैं डंडे की मदद से, हाथ नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि अगर हाथ लगाएंगे तो ये काट लेगा। तो फिलहाल इसकी हालत कुछ इस तरीके से है दोस्तों। तो अभी जो है जंगल में आ चुका है, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये है। और बिच्छू दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक जानवर होता है, और अगर ये काटता है दोस्तों तो आप जो है झाड़ बुक के चक्कर में न पड़े दोस्तों, और क्लिनिक पे जाकर सुई वगैरह लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बिच्छू है दोस्तों। तो फिलहाल इसको हम इसी जंगल में रिलीज करेंगे, ये वाला जो जंगल आप देख रहे हैं इसी में रिलीज करेंगे। तो नसीम भाई इसको उठाइए और जंगल में लेके जाइए, छोड़ दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी इसको हम थोड़ा ये डिब्बे में बंद रहते हुए दोस्तों पूरी तरीके से जो है पूरी सुस्त हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसके अंदर जो है जो फुर्तीला था दोस्तों, वो पूरी तरीके से देख सकते हैं फुर्तीला नहीं है इस समय में, और इसकी हालत पूरी गंभीर है दोस्तों। तो इसको जो हम इसी जंगल में रिलीज करेंगे। इसको थोड़ा चोट भी लग गई थी दोस्तों, क्योंकि ये जो है जहाँ नसीम भाई का घर बन रहा था वहीं पर दोस्तों ज़मीन में निकला था दोस्तों खुदाई करते वक्त। तो कुछ इस तरीके से जानवर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये बिच्छू है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक बिच्छू। तो दोस्तों अगर ये इंसानों को काट लेगा, ये बहुत ही जहरीला होता है, इंसान की मौत भी हो सकती है। तो फिलहाल इसी जंगल में हम रिलीज कर देंगे इसको दोस्तों।
तो नसीम भाई इसको उठाइए जंगल में ले चल के रिलीज कर दीजिए। तो दोस्तों इसको उठा भी नहीं सकते क्योंकि हाथ लगाएंगे दोस्तों ये खुद काट लेगा, तो इसको जो है डंडे की मदद से वहाँ तक ले जाया पड़ेगा। और इसको रास्ते में भी नहीं छोड़ सकते दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आते जाते लोग किसी को काट लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं नसीम भाई दोस्तों लेके जा रहे हैं जंगल में रिलीज करने, तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं उसको रिलीज कर देंगे। तो यही था दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए। तो दोस्तों ये जो है बिच्छू था, बहुत जहरीला बिच्छू होता है दोस्तों, तो इसको हम जंगल में रिलीज करने आए थे दोस्तों। तो देख सकते हैं नसीम भाई रिलीज कर रहे हैं। मान ली दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।